7 दिन से ये युवा कांग्रेस वाले भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने पेपर बनाया है, पेपर छपवाया है, पेपर को लीक किया, उन सब की जानकारी आनी चाहिए और 90 दिन के भीतर ये इंक्वायरी आनी चाहिए। जहां तक पुलिस अधिकारियों की बात है तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल। तो अब इन्होंने सीबीआई को दिया, सीबीआई को भी तो ये कागज हैंडओवर फटाफट करें और 90 दिन के भीतर ये जानकारी हमारे जनता की अदालत में रहे। जनता की अदालत में जब जानकारी आएगी तो कुछ ना कुछ तो सच सामने आएगा कि कौन लोग पेपर लीक में सम्मिलित है। ऐसा तो नहीं कि पुलिस के अधिकारी इससे बच जाएंगे, वो भी सम्मिलित है इसमें। तो क्या मामले में पूरा प्रभावित कर रही है? इस मामले में पूरी तरह से हम जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको ये कह सकते हैं कि जो भी इसमें अधिकारी हो, चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो, उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस उन युवा बेरोजगारों के आक्रोश का आपका ध्यान लाने के लिए ये आक्रामक आंदोलन कर रही है। कितने युवा बेरोजगार है, ये तो एक मामला आया जिसमें पेपर लीक हुआ है। हो सकता है 4.5 साल में कितने पेपर लीक हुए होंगे, उसका कौन जवाब देगा? और युवाओं के लिए आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि युवाओं के लिए रोजगार नीति लाएंगे, कौन सी नीति लाया है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद जानते हैं जीओए का पेपर लीक हुआ है, पुलिस का पेपर लीक हुआ है और आने वाले समय में पिछले कितने पेपर लीक हुए हैं, अभी तक उनके परिणाम क्यों नहीं निकले? जीओए में 1,90,000 के करीब युवा साथी बैठे हैं, 2 साल से उनका परिणाम नहीं निकला है। अब इन्होंने कह दिया कि हम 29 तारीख को द्वारा मुख्यमंत्री पुलिस का टेस्ट द्वारा लेंगे। अरे सबॉर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड बना है, पब्लिक सर्विस कमीशन बना है, उसके थ्रू सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू टेस्ट लीजिए। जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो सही है उसके साथ हम सब लोग और सच्चाई के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। 7 दिन से ये युवा कांग्रेस वाले भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने पेपर बनाया है, पेपर छपवाया है, पेपर को लीक किया, उन सब की जानकारी आनी चाहिए और 90 दिन के भीतर ये इंक्वायरी आनी चाहिए। जहां तक पुलिस अधिकारियों की बात है तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल। तो अब इन्होंने सीबीआई को दिया, सीबीआई को भी तो ये कागज हैंडओवर फटाफट करें और 90 दिन के भीतर ये जानकारी हमारे जनता की अदालत में रहे। जनता की अदालत में जब जानकारी आएगी तो कुछ ना कुछ तो सच सामने आएगा कि कौन लोग पेपर लीक में सम्मिलित है। ऐसा तो नहीं कि पुलिस के अधिकारी इससे बच जाएंगे, वो भी सम्मिलित है इसमें। तो क्या मामले में पूरा प्रभावित कर रही है? इस मामले में पूरी तरह से हम जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको ये कह सकते हैं कि जो भी इसमें अधिकारी हो, चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो, उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस उन युवा बेरोजगारों के आक्रोश का आपका ध्यान लाने के लिए ये आक्रामक आंदोलन कर रही है। कितने युवा बेरोजगार है, ये तो एक मामला आया जिसमें पेपर लीक हुआ है। हो सकता है 4.5 साल में कितने पेपर लीक हुए होंगे, उसका कौन जवाब देगा? और युवाओं के लिए आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि युवाओं के लिए रोजगार नीति लाएंगे, कौन सी नीति लाया है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद जानते हैं जीओए का पेपर लीक हुआ है, पुलिस का पेपर लीक हुआ है और आने वाले समय में पिछले कितने पेपर लीक हुए हैं, अभी तक उनके परिणाम क्यों नहीं निकले? जीओए में 1,90,000 के करीब युवा साथी बैठे हैं, 2 साल से उनका परिणाम नहीं निकला है। अब इन्होंने कह दिया कि हम 29 तारीख को द्वारा मुख्यमंत्री पुलिस का टेस्ट द्वारा लेंगे। अरे सबॉर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड बना है, पब्लिक सर्विस कमीशन बना है, उसके थ्रू सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू टेस्ट लीजिए। जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो सही है उसके साथ हम सब लोग और सच्चाई के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है।